क्या होगा अगर गॉड ऑफ थंडर, थॉर, सुपरमैन और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन, एस्कार्ड का गॉड ऑफ थंडर थॉर या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ऐसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो थॉर, शक्तिमान और सुपरमैन तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात लेते हैं शक्तिमान वर्सेस सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और तीन युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह, जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली। और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन पांचों लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा। और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट, फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमोर्टल और अनडिफीवेबल बना देती है, क्योंकि अगर समाओ कोई उसे मारकर उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन पांचों लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशन के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स। और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुपरमैन कितना पावरफुल है। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लैनेट को बिलोंग करता है। लेकिन जब उसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सर्वाइव कर सके। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो सुपरमैन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और हीट विजन जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। सुपरमैन की पावर्स हमारे इंडिया के जादू से इंस्पायर्ड है, बस जहाँ पर जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है, वहीं पर शायद सुपरमैन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैटरी है जो कि एक बार चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात के लिए भी लड़ने के लिए पावर प्रोवाइड करती है। सुपरमैन एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद साउंड बैरियर से भी ज्यादा तेज उड़ सकता है और ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिसे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से डेडली लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत ही दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदलकर उसे इजिली तोड़ सकता है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जो कि सन के कोर की गर्मी को भी सर्वाइव कर सकता है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी सुपरमैन की पावर्स। और सुपरमैन और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर पावर्स के मामले में शक्तिमान सुपरमैन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन के पास सुपर स्ट्रेंथ है, पर शक्तिमान के पास मैंसिव स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ सकता है, पर शक्तिमान पर इसका कोई
कोई भी असर नहीं होगा। और मान लो अगर सुपरमैन समहाउ अपनी लेजर लाइट से शक्तिमान की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि फाइव लाइफ एलिमेंट्स फिर से उसको रिवाइव कर लेंगे। और सुपरमैन चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना, वो एटलीस्ट फाइव लाइफ एलिमेंट्स को तो यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और जब तक इन पांच लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी शक्तिमान के आसपास अवेलेबल है, तब तक शक्तिमान इमॉर्टल है। जबकि दूसरी तरफ सुपरमैन पावरफुल तो बहुत है, पर एटलीस्ट वो इमॉर्टल नहीं है, और इवन बैटमैन तक उसे मार चुका है। और अगर शक्तिमान चाहे तो शक्तिमान के लिए क्रिप्टोन जाके क्रिप्टोनाइट लाना भी उतनी बड़ी बात नहीं है। इन द एंड सुपरमैन अपना बेस्ट देगा, पर डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो ना ही शक्तिमान को हरा सकता है और ना ही उसे मार सकता है, जबकि शक्तिमान सुपरमैन को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। हालांकि शक्तिमान सुपरमैन को नहीं मारेगा, क्योंकि शक्तिमान बुराई को मारता है ना कि बुरे लोगों को, पर एटलीस्ट वो उसे इजिली हरा और मार सकता है। और इस तरह से शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेगा शक्तिमान। तो बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस थॉर की, और जानने की कोशिश करता है कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें थॉर की, तो थॉर एक एस्कार्डियन गॉड है, जो कि ओडिन का बेटा और पूरे नॉरियाम्स का प्रोटेक्टर है। थॉर एक गॉड है, इसलिए उसके पास बहुत सारी गॉडली सुपर पावर्स भी हैं। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो थॉर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। थॉर की एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है, इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा था और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा, और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही है। थॉर गॉड ऑफ थंडर है, इसलिए उसकी पावर्स फेदर्स रिलेटेड है, जिसमें वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है और बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। इसके अलावा थॉर के पास उरुमेटल से बनी हुई स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर जैसी वेपन्स भी हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इमोर्टल बींग्स को भी किल कर सकती हैं। थॉर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट या अटैक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो न्यूट्रॉन स्टार के कॉन्सेंट्रेट एनर्जी बीम को भी सर्वाइव कर चुका है। और थॉर की स्ट्रेंथ का आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि उसने इन्फिनिटी वॉर में छह इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थानोस का सीना चीर दिया था। तो ये थी थॉर की पावर्स। थॉर और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो थॉर एस्कार्ड का गॉड है, जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं, और उसका स्टॉर्म ब्रेकर इमोर्टल बींग्स तक को किल कर सकता है। पर शक्तिमान एक ह्यूमन होते हुए भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल है, और थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर जो इमोर्टल बींग्स तक को किल कर सकता है, वो भी उसे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर थॉर समहाउ अपने स्टॉर्म ब्रेकर और लाइटिंग अटैक्स का यूज करके शक्तिमान की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी फाइव लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर देंगे। थॉर के पास इमेंस स्ट्रेंथ है, पर स्ट्रेंथ के मामले में शक्तिमान ऑलमोस्ट थॉर के ही बराबर पावरफुल है। थॉर वेदर को कंट्रोल कर सकता है, और उसको कंट्रोल करके शक्तिमान पर सुपर पावरफुल लाइटिंग अटैक्स भी कर सकता है। पर शक्तिमान वेदर के साथ साथ फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर को भी कंट्रोल कर सकता है। थॉर एक गॉड है, जिसकी एज बहुत ही स्लोली बढ़ रही है, और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही है, पर वो इमॉर्टल नहीं है, और वो भी मरेगा जिस तरह से ओडिन मरे थे, और किसी डेडली फाइट के दौरान एक हैवी इंजरी भी उसकी जान ले सकती है। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान इमॉर्टल है, और हैवी इंजरीज के साथ साथ अगर कोई उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी फाइव लाइफ एलिमेंट्स उसे दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वॉटर है, तब तक शक्तिमान को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और मुझे नहीं लगता कि शक्तिमान को हराने के लिए थॉर किल्बिश से पाप मनी ला पाएगा। थॉर एक गॉड है, पर ह्यूमन होते हुए भी शक्तिमान अब इस लेवल पर पहुंच चुका है कि किसी के लिए भी उसको हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इन दी एंड थॉर ना ही शक्तिमान को मार सकता है और ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान थॉर को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। हालांकि शक्तिमान थॉर को नहीं मारेगा, क्योंकि शक्तिमान बुराई को खत्म करता है ना कि बुरे लोगों को, पर फिर भी शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।